वेलकम बैक एट लिव सिंपली विद संगीता। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय फेवरेट सम DIY ऑर्गेनाइजर व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन अर्लियर वीडियोस। दीज आर द शॉपिंग बैग्स दैट वी कैन यूज एज ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स। वी हैव मैनी ऑफ देम। यह है कांटा बैग। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं हमारे लिए। इनको फेंकने की बजाय हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने ड्रॉअर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो दीज आर ऑल्सो माई फेवरेट वंस। बिना मिक्सअप किए चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज करके हम ड्रॉअर्स में लगा सकते हैं। बड़े ही अच्छे से हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रह सकती हैं एंड दीज आर नो कॉस्ट आइटम्स। So we can say this is a reuse idea. So you can see how well we can organize things in this. पूरा drawer अच्छी तरह से मैनेज हो गया है और zero cost में। And the next my favorite one is this DIY rack which I have painted. मैं इसका लिंक आई बटन में लगा दूंगी वीडियो का जिसमें मैंने इसको रेडी किया था। ये देखिए काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, ये कितना भी वेट ईजिली सहन कर सकता है एंड इट वॉज वेरी चीप। आई जस्ट पेंटेड इट इन ऑफ वाइट कलर एंड इट बिकेम अ सो ब्यूटिफुल किचन ऑर्गेनाइजर्स। तो इसमें ये देखिए कितनी ही तरह के मैं अपने बॉक्सेस एक्यूमुलेट कर सकती हूँ। बहुत सारा सामान इसके अंदर आ सकता है। इसमें दो शेल्फ होने की वजह से मल्टीपल चीज़ें हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा एक काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। तो ऐसे ही पुरानी चीज़ों को ना फेंक के यूज़ करके रीयूज़ करके हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपनी किचन में थोड़ी सी ब्यूटी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे स्पाइसेस वगैरह सब चीज़ें मैंने इसके अंदर रखती हैं एंड स्टिल इट इज़ हैविंग सो मच स्पेस। इट्स लुकिंग परफेक्ट ऑन माई काउंटर टॉप। I just want to show you one thing. This is the organizer which I have bought from the Amazon. बहुत ही expensive था ये, I think 600 के around था। और ये देखिए ये जो मेरे पास organizer मैंने बनाया है उसकी half quantity का है ये। इसके अंदर खाली half ही सामान आ सकता है जितना मैंने इस दूसरे organizer में रखा है। तो अगर इस तरह से आप चीज़ों को use करें तो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं आपने। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस अलमीरा ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाया है कार्डबोर्ड बॉक्स से और जो मेरे पास कर्टन का कपड़ा बचा हुआ था उसको यूज़ करके। ये देखिए कोई भी कपड़ा कोई भी लेस आप लगा के ईजिली इस तरह से बना सकते हैं और अलमीरा में रखा ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मार्केट से परचेज किया है या हमने खुद से बनाया है। सो इट विल सॉल्व द पर्पज परफेक्टली। काफ़ी हैवी ड्यूटी है ये, अच्छा सारा सामान आसानी से रख सकते हैं हम इसके अंदर। एंड दिस इज़ ऑल्सो द नेक्स्ट वन। इसको भी मैंने यूज़ किया था एक कार्डबोर्ड बॉक्स से जो हमारे पास चीज़ें आती हैं हम शॉपिंग करते हैं उनसे बच जाते हैं जो। साथ ही मैंने इसके ऊपर लगाई है 10 rupees में मिलने वाली पेपर शीट, उससे ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह से आप अलमीरा में हैंकी सॉक्स कुछ इस तरह की कैप्स वगैरह चीज़ें रखने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर बिखरती हैं इसमें आसानी से रखी जा सकती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ माई फेवरेट ऑल्सो एंड यू एवरी वंस फेवरेट। इसका लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसको मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था, ये है एक शर्ट ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने बनाया था कार्डबोर्ड बॉक्स से, इसके ऊपर एक वॉलपेपर एडहेसिव वॉलपेपर को यूज़ करके। देखिए इसके अंदर ईजीली आप कितना भी अपने अलमीरा का सामान रख सकते हैं। एक ये शर्ट ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आसानी से आप साइड से चीज़ें देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं इसके अंदर।
तो ये सारे ही ऑर्गेनाइज़र का लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं अगर आपको कोई पसंद आता है तो। एंड दीज आर द नेक्स्ट वन, ये देखिए फूड कंटेनर, इस तरह से जो टेक अवे कंटेनर होते हैं हमारे पास बहुत सारे रखे होते हैं, तो इनको भी हम ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के ड्रॉर में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रखी रहती हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, इधर उधर फैला देते हैं वो लोग, तो अलग अलग कैटेगराइज करके आप इनको यूज़ करके अपने ड्रॉर में चीज़ें रख सकते हैं। एंड दे आर लुकिंग वेरी नीट एंड क्लीन ऑल्सो, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीयूज दिस टेक अवे कंटेनर्स। ये देखिए कितने सारे आ सकते हैं एक ड्रॉर में, और इजीली आपका सारा सामान आप अच्छे से कैटेगराइज करके रख सकते हैं। एंड दीज आर लुकिंग वेरी नीट एंड क्लीन ऑल्सो। एंड इन द सेम वे दीज आर ऑल्सो सम फूड कंटेनर, जिसमें हम कुछ सामान खरीदते हैं वो मिलता है हमें, या तो हम टेक अवे फूड कंटेनर्स जो होते हैं उसमें ये देखिए इस तरह से अपनी सारी चीज़ें कैटेगराइज करके रख सकते हैं। बच्चों के पास आजकल बहुत ज़्यादा तरह के कलर स्केच पेन होते हैं, तो सब मिक्सअप ना हो इजीली आप इनको अलग अलग करके रख सकते हैं। दीज आर माई फेवरेट ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं और अच्छी तरह से सारा सामान इनके अंदर आप रख सकते हैं बिना कोई भी मैस किए। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन विच आई हैव मेड फ्रॉम अ ओल्ड केन, जो भी हमारे पास देखिए इस तरह से केन फूड आते हैं उसको जस्ट मैंने पुराने मेरे पास गिफ्ट रैक पेपर रखा था उसको मैंने जस्ट इसके ऊपर पेस्ट किया है और ये बन गया है बहुत ही अच्छा पेन स्टैंड। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, कितने ही सारे पेन इसके अंदर डाल के आप इजीली रख सकते हैं और टेबल पे रखा ये बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस नेक्स्ट वन हैक इज दिस, ये देखिए कैंडी बॉक्स या इस तरह के बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्स होते हैं हमारे पास, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऊपर से हल्का सा कट कर दिया है इसमें कॉइन डालने के लिए और ये बन गया एक बहुत अच्छा सा पिगी बैंक। आपको दिखता भी रहता है कितने कॉइन्स कलेक्ट हो गए हैं, बच्चों को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे तो आप इसको पेंट करके या कुछ भी पेस्ट करके डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छा सा एक पिगी बैंक बना सकते हैं। कैसे लगे आपको सारे ही आइडिया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।